गाइज वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। और गाइज आज मैं लेके आई हूँ एक सोप का रिव्यू। एंड गाइज ये है काफ़ी अफोर्डेबल सोप। एंड जैसे कि मैं ज़्यादातर अफोर्डेबल सोप्स के रिव्यू शेयर किया करती हूँ ताकि आप जब भी सोप परचेज करने जाओ कोई ना कोई नया सोप ट्राई कर लो, क्योंकि मार्केट में पता नहीं चलता ना कि कौन कौन से सोप आ गए, इस वजह से मैं इनके रिव्यू शेयर करती रहती हूँ। सो गाइज अभी मैंने रिसेंट में ही इसके दो बंडल खरीदे थे। एंड गाइज ये है हमारा विवल्स का लोटस ऑयल प्लस विटामिन ई सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन का सोप, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का है। ये आपको 4 पीस सोप मिल जाएंगे 40 रुपीज़ के। एंड गाइज इसमें दिए गए हैं 63 ग्राम के पर बार, मतलब 252 ग्राम की सोप 40 रुपीज़ के। सो गाइज हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। विवल्स की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, इवन इनके बॉडी वॉश भी आते हैं। और इसमें मैंने इसका एलोवेरा सोप का भी रिव्यू शेयर किया था। गाइज ये सोप घुलते नहीं हैं, जो इनकी खास बात है कि ये सोप जब पानी में, मतलब नहीं, सोप होते हैं कि थोड़े दिन यूज़ करो फिर वो घुलने लगते हैं और एकदम एक रुई के गोले जैसे बन जाते हैं। इन सोप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एलोवेरा वाला सोप यूज़ किया है, फ्रेगनेंस तो बहुत कमाल की है और साथ ही साथ ही घुलते नहीं, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत। एंड गाइज अगर बात करें पैकेजिंग की तो ये इस तरीके की पैकिंग में आते हैं, नॉर्मल पैकिंग है और अंदर तरीके का सोप है, आप देख सकते हैं पैकेजिंग आपके सामने है। करिए इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें सोडियम पैलमिनेट है, सोडियम कैरेनेट है, एक्वा है, टैल्क है, फ्रेगनेंस है, ग्लिसरीन है। और इसमें बस इसमें आपको SLS नहीं मिलेगा, बाकी सारे केमिकल मिल जाएंगे। एंड ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट भी है। ये आप एज अ टॉयलेट सोप यूज़ कर सकते हो, एज ए आप इसको नॉर्मल अगर आप सोप यूज़ करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन में, तो आप बाथिंग बार भी यूज़ कर सकते हो। सोप कभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सोप को बहुत लंबे टाइम यूज़ करते रहो तो वो अनहाइजीनिक हो जाते हैं, मतलब कि उतने वो साफ नहीं रहते हैं। तो सोप हमेशा छोटे लो, जल्दी ख़त्म हो जाए, नया निकाल लो, ये ज़्यादा परफेक्ट रहता है। आप एक बड़ा सोप ले लो, उसको 1.5 महीने तक का यूज़ कर रहे हैं और बॉडी पे वो 1.5 महीने तक चल रहे हैं, वो सोप बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होते हैं। और इस समय तो बिल्कुल भी उस तरीके के सोप नहीं यूज़ करने चाहिए, छोटे बार ही यूज़ करो। ये पैसे बचाने वाली बात नहीं है, ये एज़ फॉर हाइजीनिक पर्पज़ भी बहुत परफेक्ट है। मैं इतने प्रोडक्ट लेती रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 4 बड़े बड़े साबुन ले आऊं, लेकिन उसके बावजूद मैं छोटे सोप परचेस करती हूँ, क्योंकि मुझे वो अनटाइडी नहीं लगते, मुझे साफ सुथरे लगते हैं। बाकी पर्सनल अपनी अपनी चॉइस है। सो गाइज अगर बात करें इसकी फ्रेगनेंस की तो काफी अच्छी भीनी भीनी सी महक है, बॉडी पे बनी रहती है। अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो गाइस ये अच्छे से लेदर क्रिएट करता है एंड बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इसमें विटामिन ई मिक्स किया गया है, तो गाइस आप इसको फील करोगे कि ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं कर रहा, वाइट वाइट सी कास्ट नहीं दे रहा बॉडी पे, मतलब एक सूखा सूखा पन आ जाता है कि मॉइस्चराइजर लगाना ही मस्ट है वरना ड्राइनेस ही फील होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं फील होता है। थोड़ा सा मुझे मिल्की बार टाइप का लगा, मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का सोप लगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगा स्किन में। बाकी इसको यूज़ कर सकते हो फेयरनेस और ग्लोइंग इस तरीके का कुछ मत सोचिएगा इससे, बिकॉज़ एक नॉर्मल सा सोप है। अगर रिकमेंड करने की बात करें तो गाइज ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, कुछ ज़्यादा इसके बारे में बोल नहीं सकती, बस हाँ एक अफोर्डेबल सोप है, ट्राई कर सकते हो, कहीं आपको दिखे तो परचेस कर लेना। गाइज अगर आपको ही मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिस बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।